मन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। रवा सोचा होगा कि कवि जी कैसे बन गए तो भाई खुमारी ये नशा अभी के हुए प्रोग्राम के बाद जेकर नाम है वाह कवि जी। जी हाँ, आज रात 8:30 बजे से कार्यक्रम के आगाज हो रहा। सोमवार से गुरुवार तक आज शाम से वाह कवि जी आई ऐसे ई सूचना आप सबन के हमने के दे तरी सा, काहे कि हमने के धर्म बनता, हमने के कर्तव्य बा आपके परिवार के को सदस्य ही सा हर खबर आपके तक पहुंचावे के बा हमने के। बिल्कुल, और अजीत ई कार्यक्रम ऐसा बा जो के रवा के थोड़ा हसाई गुदगुदाई, और हाँ कई ऐसा सामाजिक मुद्दा हो जिस पे थोड़ा सोचे तर मजबूर कर दी। हाँ। एकदम मत भूलक आज रात 8:30 बजे कार्यक्रम जरूर देखा। और अब हमने के हमेशा बिहाने बिहाने के दर्शक लोग जो इंतजार में बैठल बा वो इंतजार वो डिमांड के पूरा करेंगे, भरपूर व्यवस्था हो चुकल बा। बिल्कुल, इनको है हमारे आज के कलाकार का इंतजार जिनका करेंगे हम सत्कार। जी, तो आज के कलाकार हमने के बीच में बानी आशीष नारायण त्रिपाठी जी, लेकिन वहाँ के आवे से पहले देख ले जाओ कि कार्यक्रम में बहुत कुछ का बा ओकर एक झलक। हमारी आज का चर्चा का विषय है अनारदाना। रंगनाथ जी के मंदिर, ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला की बेजोड़ नमूना था।
दुख से एक भगवान के दुख से हम अब कृपा करो राम भजन के साथ राम के गुणगान के साथ हमी के भोर के शुरुआत भइबा और ये शुरुआत में मिठास घोल रहल बारे आज के हमी के कलाकार आज के अतिथि आशीष नारायण त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत बा कैसन बारे बहुत अच्छे आप हमने के यहाँ से बड़ा अच्छा निमन रिश्ता बा ओकरा के अपने महिले बनी फिर दोबारा आके पहिका बड़ाई रही आप जी और आज भी यानी कैसे महसूस हो रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है पहले भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था आज भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से चर्चा करेंगे चाहो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और कहाँ के रहने वाला मैनपुरी का रहने वाला हूँ और वहीं से संगीत की शिक्षा हमने शुरुआत की जी। और माता पिता के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है और मिलता भी नहीं और फिर उसके बाद हम वृंदावन सीखने गए पंडित विदुर मलिक जी से अच्छा। फिर उसके बाद लखनऊ में रहे भातखंडे ज्वाइन किया और वहाँ पर पंडित हरनाथ मिश्र जी से और पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी से शिक्षा लेते रहे अच्छा। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में पंडित राजन सजन मिश्र जी के चरणों में बस अरे वाह कई गुरु के सानिध्य इनका के मिला और कई घराना से भी बनी अच्छा तो शास्त्रीय संगीत के बाद कुछ लाइव म्यूजिक की तरफ आपके रुझान रहा क्योंकि ठुमरी दादरा और जो लाइट है वो क्लासिकल का ही एक अंग है और क्लासिकल कहें चाहे सेमी क्लासिकल कहें कठिन दोनों है और क्लासिकल अगर आप कर रहे हैं तो सेमी क्लासिकल अगर आपको नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं आता है तो चलिए हमी के लिए बातचीत जारी रखा जाए और संगीत के बारे में और भी चर्चा कर जाए अगर यहाँ पर देखो ये दौर हो बिल्कुल मैं बेगम अख्तर जी की एक ठुमरी है वो मैं आप लोगों से Yeah.
कोर्स ई ठुमरी बा बिल्कुल और हमी के पूरब के महक बा ई ठुमरी में बहुत सुंदर लगे। अच्छा एक बात बताइए, भोजपुरी से कब कब आपके टकराव हो जाला, कब कब जे भोजपुरी वाला माहौल टकराव मत कहीं जुड़ाव कहीं। हां हां मतलब वो जैसे जुड़ाव कब कब महसूस चलते चलते कुछ भोजपुरिया माहौल मिल गए तो जी छुड़ा गए कुछ भोजपुरी वाला टाइप के। लखनऊ में जहां मैं रहता था जी तो वो भोजपुरी ही भोजपुरी सभी बोला करते थे, बलिया के रहने वाले थे। अच्छा बलिया। और म्यूजिक से उनका रिलेशन था जी, तो उनको सुनते सुनते भोजपुरी समझ में आने लगी, क्योंकि भोजपुरी मुझे समझ में पहले नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों के लिंक में आए तो समझ में भी आने लगी। और फिर अगर आप पूर्वी अंग नहीं गाते हैं क्लासिकल सेमी क्लासिकल में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें पूर्वी अंग ना हो। बिल्कुल। और भोजपुरी के शब्द के भी समावेश होला जो बंदिश होगा लोग गाए ना तो एकदम कुछ वैसे ही गीत हो जाएगा यहाँ पर। हमारी आज का चर्चा का विषय है अनारदाना। इसके औषधीय गुणों से या मेडिसिनल प्रॉपर्टी से हम बहुत कम लोग वाकिफ हैं और इसी पर आज हम कुछ रोशनी डालेंगे अपनी इस परिचर्चा के द्वारा। अनारदाना का उपयोग वैसे तो स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अतिरिक्त इसके बहुत से औषधीय गुण होते हैं, जैसे
कॉमनली हम देखते हैं कि अगर पेट में दर्द है तो कुछ अनार के दानों को नमक मिला के यदि चूसा जाए तो पेट के दर्द या जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। भोजन में यदि किसी व्यक्ति को रुचि ना हो या एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो जिसमें खाना सामने आते ही ऐसा महसूस होता है कि ना खाया जाए तो ही अच्छा है, ऐसी स्थिति में अनार दाने का उपयोग बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। अनार दाने का एक पाउडर जो बहुत स्वादिष्ट होता है एक मिश्रण बना के रखा जा सकता है जिसे हम रोजमर्रा प्रयोग में ला सकते हैं और अपनी पाचन शक्ति को और अच्छा सशक्त और मजबूत रख सकते हैं। इसके लिए आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच भुने जीरे का पाउडर, करीब चने की दाल के बराबर हींग जो कि भुनी हुई हो और 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अनारदाना और स्वादानुसार नमक और देसी खांड को मिलाकर एक पाउडर बनाया जा सकता है जिसे आप डब्बी बंद करके रख लें और जब भी जी मिचलाए, वॉमिटिंग की सेंसेशन हो, खाना ना पचे या फिर भूख ना लगे तब इस चूर्ण को, इस मिश्रण को आप आधे से एक चम्मच की मात्रा में प्रयोग करें और देखें कि किस तरह आपका डाइजेशन इतना इम्प्रूव होता है। जिस तरह जो अनार का फल है वह हमारी रक्तालता या एनीमिया की प्रॉब्लम को जिसमें खून की कमी हो जाती है उसको कम्बैट करता है या क्योर करता है, उसी तरह अनार दाना भी हेल्प करता है कि हमारे खून की जो प्रोडक्टिविटी है वह इम्प्रूव हो। इसके साथ साथ अनार दाने का प्रयोग डायरिया में, डायसेंट्री में भी किया जाता है। इन सीड्स को, अनार के दानों को हल्का तवे पर भून कर उसमें थोड़ा रॉक साल्ट या काला नमक मिलाकर यदि उसे लिक किया जाए और चूसा जाए तो बहुत बेनिफिट होता है। ये बहुत अच्छा लिवर और स्किन के लिए भी टॉनिक है। बहुत अच्छा ज्ञान के बतिया में हमने के पता चला कि अनार दाना के का फायदा बाटे। आशीष नारायण त्रिपाठी जी हमने के साथ बनल रहे, आप लोग भी बनल रही हमने के, जल्दी लौटा तने एक छोटा सा एमएसटी ब्रेक के बाद। अमेज़टी बिहानी बिहानी प्रस्तुत करता अमेज़टी बेटर देन एनी ड्रिंक। सह प्रायोजक रूसी है तो नहीं होगी, नहीं आवाज धीरे कर लिया है, सोयो परेशान बाबा वो रिकॉर्डिंग में फिर आवाज नहीं आती। चाहत में हर पल आम बिस्कुट वाह कवि देखिए अपराधी बजाज कैलाश पर्वत ठंडा बिस्पम बिस्किट्स इंतजार हो रहा था कि अब आशीष जी का सुनेंगे तो जल्दी जल्दी कुछ बढ़िया सा अच्छा संगीत सुना दे। Oh,
से आहोर बलमो वापार जैसे आहोर बलमो वापार जैसे आहोर बलमो रात ना